पाकिस्तान के मारूफ टीवी मेजबान मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की साबका अहलिया दानिया शाह को दूसरी शादी करने पर संगीन नतायज की धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद दानिया और इनके शौहर हकीम शहजाद ने सरकारी सिक्योरिटी मांग ली है। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान हाई कोर्ट बेंच की जस्टिस आसिम हफीज ने दानिया शाह और इनके मौजूदा शौहर हकीम शहजाद अहमद की सिक्योरिटी फरहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंटरनेशनल नंबर से कॉल करके दानिया शाह को दूसरी शादी पर संगीन नतायज की धमकियां दी गई। मुतालका तमाम इदारों ने रिपोर्ट भी लिख दी है कि इन्हें सिक्योरिटी फरहम की जाए, मगर अभी तक इन्हें सिक्योरिटी फरहम नहीं की गई है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने कहा कि होम सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दी कि इन्हें सिक्योरिटी फरहम की जाए, जिसके अखराजात भी वो अदा करने के लिए तैयार हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हकीम शहजाद को धमकी दी गई कि वो फौरी तौर पर दानिया शाह को तलाक दें और अगर ऐसा नहीं किया तो इन्हें गोली मार दी जाएगी। दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि दानिया शाह ने पहली शादी मारूफ मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन से की थी। इनकी वफात के बाद इद्दत मुकम्मल होने पर दानिया शाह ने दूसरी शादी हकीम शहजाद अहमद से की और अब वो अपने शोहर के साथ शुजाबाद के नवाही इलाके शाहपुर में मुकीम है। मुल्तान हाईकोर्ट बेंच के जस्टिस आसिम हफीज ने डिप्टी कमिश्नर और CPO मुल्तान से 17 सितम्बर को जवाब भी तलब कर लिया है। वाज़ह रहे गुज़श्ता माह दानिया शाह ने अपनी वीडियो बयान के जरिए हकीम शहजाद नामी अपने वकील से दूसरी शादी की तस्दीक की थी, जिसके बाद इस जोड़े ने अपने वलीमे की तकरीब का इनेकाद भी किया था।